की जानब से तमाम तालीमी इदारों के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया है। पंजाब हुकूमत के नए अहकाम के मुताबिक स्कूल्स 6 मार्च से 13 मार्च तक बंद होंगे। मुतलका अजला के डिप्टी कमीशन को 1 हफ्ता के लिए स्कूल बंद करने का अहकाम जारी कर दिया गया है। दोबारा से तमाम तालीमी इदारों के हवाले से 12 मार्च को फैसले पर नज़रसानी की जाएगी। बच्चों की मौजें दोबारा से शुरू हो गई हैं। तमाम तालीमी इदारे दोबारा से बंद कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब की जानब से ये बहुत बड़ा फैसला कर दिया गया है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शफकत महमूद साहब ने जो ऐलान किया है उसकी इंफॉर्मेशन देने से पहले आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन लाया हूं जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी है। उस एप्लीकेशन को जैसे ही आप लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो मुफ्त में 500 रुपये का कैश हासिल कर सकते हैं। बहुत से दोस्तों ने उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया और उन्हें मुफ्त में 500 रुपये का कैश मिला। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मुफ्त में 500 रुपये का कैश अभी और फौरी तौर पर जैस कैश या इजी पैसे के जरिए हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं तालीमी इदारों के हवाले से जो शफकत महमूद साहब ने बड़ा फैसला कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर ने दोबारा से बच्चों की जाने लेना शुरू कर दी है और हुकूमत पंजाब में यह फैसला कर दिया है। तमाम तालीमी इदारे 6 मार्च से लेकर 13 मार्च तक बंद रहेंगे और 12 मार्च को दोबारा से ओपन करने का फैसला लिया जाएगा। तमाम तालीमी इदारों के हवाले से बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर लाजमी से क्लिक कर दीजिएगा।